सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइज स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्रामोल्फियर हार्डकोर का। सो गाइज, आर्क प्रामोल्फियर हार्डकोर के पिछले एपिसोड्स में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइज यहाँ पे बनाई थी डिमोनिक टेरर बट के आर्मी सेलेस्टियल वाले जो है ना गाइज रॉक्स की आर्मी एंड गाइस मारे डिमोनिक थ्रोनी ड्रैगन की आर्मी। ये इतनी ज्यादा बड़ी जो आर्मी देख रहे हो, ये आर्मी हम लोग ने यहाँ पे नोवा रिवेंज बॉस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है। और आज के इस वाले एपिसोड में मैं जो है ना गाइस यहाँ पे इसी आर्मी की मदद से भाई उस बॉस को नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि इस आर्मी की लेवल अप करना बाकी है। तो वही काम आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग करने वाले। बाकी आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद एनी के चैनल की और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सर दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे आप लोग किसी भी मोबाइल और पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइस अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है वो शुरू कर डालते और मचा डालते एकदम फुल्ड तबाही ना मेरी भाई। सो गाइस अभी यहाँ पे, अरे एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे जो डायनोज है ना, ये देखो भाई, मैं जब भाई सर्वर में आया ना तो मेरे डायनोज जो ना ऐसा मुंबई दर्शन करने के लिए गए थे। मेरे जो ना बेस के ऊपर जो फौजदार हॉक नहीं होते कहीं चोमू से, वो भाई बार बार अटैक कर रहे और उनको मारने के लिए मेरे सारे डायनोज जो ना कहीं जहाँ पे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और इन डायनोज को वापस से जो ना गाइस सही जगह पे लगाने में मेरा जो ना गाइस आधा दिन, भाई आधा दिन नहीं आधा घंटा यहाँ पे निकल गया गाइस, क्योंकि जितने भी डायनोज थे ना वो सारे डायनोज उन फौजदार हॉक को मारने के लिए जा रहे। और गाइस यहाँ पे अभी मैंने मैक्सिमम अपने डायनोज को पैसिव करके रख दिया है ताकि कोई भी जो है ना गाइस यहाँ पे इसे उंगली ना कर पाए किसी डायनो को। और अभी गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास तीन आर्मी है और उसमें से एक एक करके हम लोग आर्मी को यहाँ पे लेवल अप और इवोल्यूशन देने वाले हैं। सो अभी सबसे पहले जो है ना गाइस बारी आती है यहाँ पे, अरे भाई इन सबको भाई मैक्स लेवल मिल चुकी है क्या? नहीं, इसको नहीं मिली है ना। रुको भाई, सबसे पहले तो इनकी लेवल अप करने, बट लेवल अप करने के बाद ना इन सारे के सारे फ्यूरॉक्स को मुझे इवोल्व करने का भी काम करना है। इसलिए जो ना कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनको लेवल अप करने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं जाके जो ना कि इनके इवोल्यूशन पोशन का जुगाड़ करके आता हूँ, मतलब इवोल्यूशन सूल का जुगाड़ करके आता हूँ। तो इवोल्यूशन सूल का जुगाड़ कहाँ से होगा गाइस? सिंपल इज द ब्रो, हम लोग को कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे बिकॉन द क्रिएटर नोवा द डिस्ट्रॉयर जो ना कि जो बना के रखे है, और मुझे जो ना गाइस यहाँ पे पिकॉन द ग्रेडर चाहिए ना कि नोवा द डिस्ट्रॉयर। मुझे पांच पिकॉन द ग्रेडर चाहिए और इन पांच पिकॉन द ग्रेडर्स को मारने से मैं यहाँ पे जो ना गाइस टोटल पांच सोल इकट्ठा कर पाऊंगा, जिन पांच सोल्स की मदद से मैं यहाँ पे बड़े आसानी से जो ना गाइस यहाँ पे भाई बोल कर सकता हूँ अपने पांच फ्यूरॉक्स को। सो चले गए सबसे पहले पांच पिकॉन द क्रिएटर की बैंड जो ना गाइस वो बजा के आते हैं और अपने भाई पावरफुल से डायनो को लेके जा रहा हूँ गाइस पिकॉन द क्रिएटर की बैंड बजाने के लिए, जो कि है गाइस अपना प्यारा प्यारा सा स्पिरिट वाला ग्रिफिन भाई। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर हीलिंग पोशन डालने की जरूरत है ना गाइस, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर हीलिंग पोशन डालने की जरूरत है? डाल देता हूँ बैकअप के लिए इनकेस अगर वो बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वाला निकला, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वैसे उतना पावरफुल तो है नहीं, बट फिर भी स्टिल बट चांसेस बिल्कुल नहीं लेने क्या अपन को। ठीक है, पांच बॉसेस को मारना है टोटल पांच भाई। ठीक है, रेडी हो? चलो पहले भाई, पहले बॉस को यहाँ पे बुला लेता हूँ। मछली के बच्चे इधर आ, जब बाद्र काली बाम चिकी चिकी बाम बाम, सीधा बट पेट के अंदर डाला इसके मछली के अटैक, सीधा पेट के अंदर मछली का अटैक डाला है। मछली को तो डैमेज ही ना पड़ रहा था इसके अंदर भाई, मछले के तो डैमेज ही नहीं पड़ रहा। मुझे केवॉस वाले ग्रिफिन का इस्तेमाल करना चाहिए था लग रहा है गाइस, केवॉस ग्रिफिन जो है गाइस और अच्छे से इसको मार पाता। अरे यार इसके ऊपर तो कोई भी असर ही ना पड़ रहा है यार। भाई चल भाई चल चल भाई चल, लाड में आ रहा है क्या? अरे 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 मार रहे मार रहे माही मार रहा माही मार रहा है, राइडर को मार रहा है, ये राइडर को मार रहा है। रुको, इसकी बैंड बजाता मैं,
भाई दिखाए तो कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को, स्टन दे दिया लेकिन एक भाई खतरनाक वाला स्टन तो दे दिया भाई। चलो भाई ये भाई मेरे को स्टन दे के भाई मेरे ग्रिफिन को नीचे गिरा है, उससे पहले इसका गेम बजा देना है मेरे को भाई, ठीक है भाई। इसके मुंह के अंदर पंजिकाओं में कंटिन्यूस दिए जा रहा होगा इस यहाँ पे अपने अटैक्स गाइस, इसके मुंह के अंदर बच चुका होगा इसमें, ठीक है। और मैं कंटिन्यू स्पिरिट बम डाले जा रहा हूँ भाई, मरने में जमा एक बिलियन हेल्थ बची है, दो बिलियन में से भाई वन बिलियन भी ना बची है। अब मेरी ग्रिफिन की हेल्थ अभी डाउन हो रही है थोड़ी, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का गाइस यहाँ पे। और इसकी पेटी बनने में जमा भाई, पेटी बनने में जमा, अरे भाई लात मार के दूर ढकेलता है शेमड़े, शर्म नहीं आती तेरे को, शर्म नहीं आती, मर जा भाई, मर जा मेरे बेस गया स्पिरिट वाले बम वाले अटैक से भाई, मर जा मेरे स्पिरिट बम अटैक से। चल चल बेटा चल 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 चल, चल। कल आना कल बेटा, कल 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 खत्म खत्म बॉस। चलो गाई भाई दिखाए तो कुछ नहीं दिया भाई उजाले के और रोशनी के अलावा, बट गई जितना पता चल गया कि उस बॉस की बैंड अपन लोग ने बचा दी भाई। मैं क्योस ग्रिफिन का इस्तेमाल करता हूँ, ये जो है ना गई थोड़ा सा मुझे स्पिरिट वाला ग्रिफिन है तो पावरफुल, लेकिन इसके सामने थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं क्योस वाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। अंडा संडे हुआ मंडे रोज खाओ अंडे, रुको गई पाँच अंडे भाई मिलने वाले अपन को, रुको पाँच अंडे मिलने वाले भाई। अरे यार संडे हुआ मंडे रोज खाओ तो अंडे, बट अरे अंडा उठाना, हाँ उठा ले, अरे बाबा ठीक है। चलो भाई मैं क्योस ग्रिफिन को जो ना फटाफट से गई यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ यार ग्रिफिन का भाई, भाई ग्रिफिन का इसी ने यार ग्रिफिन को जब भी चलाते ना लैग बहुत ज़्यादा सॉलिड वाला मारता, देख रहे हो भाई कैसे लैग मार रहा है, मुझे लग रहा है ना कैसे मॉड का जो लैग का इशू था ना वो वापस से आ चुका है। बताओ आपको भाई अनऑफिशियल जो है ना कैसे मॉड जो हमारा है वो लैग से भरा हुआ है, वो मुझे लग रहा है कि वो इशू जो है ना कैसे वापस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। रुको मैं क्योस वाले भाई ग्रिफिन को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा अगले वाले बॉस फाइट के लिए, ठीक है गाइस आ जाओ। चलो ये आ गया अपना क्योस वाला ग्रिफिन, लेके जा रहा हूँ आसमान की थोड़ी सी ऊंचाइयों पे भाई, इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं एक हीलिंग पोशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बॉस है ना ये मछला बॉस, ये मैक्सिमम करके राइडर को उड़ाने का काम करता है, तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा वरना मेरी पेटी बन जाएगी, ठीक है। ये लो चलो ये आ गया मछला बॉस, हालो मछले बॉस हाउ आर यू, हालो मछले सिंह सर जी। अरे यार भाई इससे अच्छा तो मैं उसको यूज कर कर लेता यार रिपर को, अबे तो मेरे घर के साइड में जा रहा है, अबे यार मैं रिपर को यूज कर लेता सच में भाई। भाई इसके पिछवाड़े के भाई नज़दीक रह के ना इसको भाई बम बम डाल डाल के मार दूंगा, रुको मेरा बम जो ना कहीं जो थोड़ा सा आने में भी तो टाइम लग रहा है ना, मार झापड़ मार झापड़, जब तक बम नहीं आता तब तक झापड़ वापड़ मार ले भाई इसको मस्त बेगी, झापड़ झापड़ मार मार के बेल दूंगा यार। बॉस को मारने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला लग रहा है गाइस मेरे को, हाँ गाइस इन बॉसेस को मारने में कैसे हमारा जो ना कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे भाई। 10% हेल्थ डाउन करी है ओनली मैंने अभी तक भाई, भाई 300 मिलियन हेल्थ डाउन करी है अभी तक मैंने, कम ऑन मार डाल इसके अंदर डाल अंदर डाल। अबे यार ये अटैक नहीं कर रहा, अगर इसके मैं थोबड़े के नज़दीक जाऊंगा ना तब जाके कहीं अटैक करेगा, वरना अभी अटैक नहीं करेगा, इतना तो मेरे को भी पता भाई अभी अटैक नहीं करेगा इसके, भाई फेस के नज़दीक नहीं जाना है ठीक है, बाकी तो और कोई सीन नहीं है। चलो आ जाओ भाई, वो नीचे नीचे जा रहा भाई, नीचे जा रहा नीचे जा रहा भाई, ये मेरा बेस ही उधार भाई, मेरे बेस के नज़दीक नहीं जाना, पेल दूंगा बेस के आग, बेस के नज़दीक नहीं जाना पहले बता रहा हूँ मैं भाई, इसके तोबड़े के नज़दीक मत आओ वरना है भाई रुद्र रूप धारण करके अपने अटैक करना चालू कर देता है भाई, चोमू सा है थोड़ा सा है बॉस भाई। जब तक हम लोग भाई इसके पिछवाड़े पे है ना गाइस तब तक ही कुछ भी नहीं करेगा हम लोग को भाई, अभी तो मेरे हिसाब से कहीं जिसके आदेल डाउन होने वाली है शायद से ना, आदेल तो भाई भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है अभी तक भाई, आदेल डाल भाई डाल भाई 1.5 भाई, अभी तक गाइस मैं 800 के इस गिल्ड डाउन कर पाया हूँ ओनली ओनली 800 के, वो पता नहीं आसमान की ऊंचाई पे कहाँ पे जाना चाहता है भाई ये। अब मर जा भाई इसकी आग, अबे जल्दी कर कल सुबह पनवेल निकलना है यार मेरे को अपने भाई डायनोस को वो भी तो करना है भाई, कितना ऊंचाई तक लेके जाएगा, अबे मैप के बाहर जाने वाला है कह रहे तू, लग तो कुछ ऐसे रहा मेरे को मैप के
बाहर जाने वाला है। 1.4 1.4 ठीक है डाल। मुझे तो लग रहा है मैप के बाहर लेके जा रहा है गाइस मेरे को। 1.4 गाइस यहाँ पे भाई बिलियन हेल्थ बची हुई है अभी तक इसकी। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1.3 हम लोग ने शायद से इसकी जो ना गाइस यहाँ पे आधे हेल्थ ऑलमोस्ट डाउन कर लिया ऐसे बोल सकते हो। 1.2 आजा भाई। भाई क्योस इफेक्ट भी मेरा इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा गाइस बिल्कुल भी। यार ये बॉसेस को मारने में इतना टाइम लग जाएगा तो भाई हो गया कल्याण भी रखना भाई। 1.2 ठीक है मरने वाला है भाई जल्दी से। कौन से भाई टाइम उन्होंने इस बॉस को मारा था मेरे हिसाब से रीपर या फिर ना अपने रेक्स ने नहीं मारा था ना वो स्केलेटन वाले, क्योंकि उससे तो भाई काफी ज्यादा दूर चला गया था। मेरे हिसाब से अगले भाई बॉस फाइट के लिए ना मैं रीपर यूज करता हूँ। रुका गाइस अगले बॉस को मारने के लिए, मछली बॉस को मारने के लिए अगले वाले सीधा अंदर डाल के अटैक डाल रहा हूँ मैं। सीधा अंदर घुस के अटैक डाल रहा हूँ भाई। 1 बिलियन हेल्थ बची हुई है, 1.1 बिलियन ओनली तो बोल नहीं सकते क्योंकि उसको भाई डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है गाइस भाई 1 बिलियन बची है ओनली, 1 बिलियन हेल्थ बची है गाइस अभी। 1 बिलियन हेल्थ बची है, डाल अंदर अटैक डाल। नाइस भाई 900 गाइस होने वाला है भाई मरने में। जब आप बोल सकते हो 40% हेल्थ अभी और बची हुई है इसकी। ठीक है भाई 900 से 800 तक आने वाला है अभी गाइस है। भाई यार भाई क्यों भाई से तो मैं स्पिरिट वाला यूज कर लेता यार सच में भाई। इससे आ जाता तो मैं स्पिरिट वाला ग्रिफिन यूज कर लेता। एक बार में शायद से 50 मिलियन तक डाउन कर रहा है गाइस मेरा ये ग्रिफिन शायद से। बोल नहीं सकते एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बोल सकते। हाँ 50 मिलियन डाउन कर रहा है। बट गाइस इसका स्टैमिना जो है ना गाइस वो भी यहाँ पे अभी भाई इसका साथ छोड़ रहा है अपने ग्रिफिन का। बट हो जाएगा नो प्रॉब्लम हो भाई। लो भाई कैसा लैग मार रहा भाई गेम। चल डाल अटैक डाल। 700 600 600 मिलियन ओनली गाइस मेरा स्टैमिना 10% ओनली बचा हुआ है। आपे मर जा मछले के बच्चे। भाई 500 तक आने वाला है अभी है। एक और एक्स वाला अटैक डाल दूंगा तो 500 तक आ जाएगा। ये ले भाई 500। यार भाई इसको मारने में जो ना गाइस हमारी बैंड बच गई गाइस ये बॉस को मारने में। क्या बताऊं मैं आपको, मर जाना भाई। यार इनको मारने में गाइस मेरा भाई सारा भाई ये वीडियो चला जाने वाला लग रहा है मेरे को। 521 मिलियन ये ले ग्रिफिन पे अभी चेंज नहीं कर सकता। ग्रिफिन चेंज करने गया ना सो उतने में तो गाइस यहाँ पे भाई ये भाई 400,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा। फिर इसको वापस से ढूंढना पड़ेगा और इतने मुश्किल से बनाया गया जिसको तो भाई मैं गवा तो नहीं सकता। 395 नाइस कम ऑन 330 ऑल राइट। भाई इसने एक भी बार अटैक नहीं करा गाइस। मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो कैसे लगी बताना। इसके पूछ पे आके अटैक करते जाओ, उसके मुंह के सामने नहीं जाना ठीक है। इतना मोटा है ना कि अपन पीछे से अगर इसको मारते रहे ना तो हम लोग दिखाई नहीं देते इसको। अगर आप लोग इसके मुंह के सामने जाओगे ना तो फिर गाइस आपको देख लेगा तुरंत ही और आपके ऊपर अटैक कर देगा। 200/17 मिलियन ओके ठीक है 200 मिलियन। 4 और X वाले अटैक फिर इसका बैंड बच जाएगा। 3 और X वाले अटैक फिर इसका बैंड बच गया गाइस। 3 more X वाले अटैक गाइस यहाँ पे 3 और X वाले अटैक कम ऑन। नाइस भाई 2 और X वाले अटैक फिर गाइस फाइनली इस बॉस की बैंड बच जाएगी। 2 more X वाले अटैक भाई और इसका अंडा कैसे हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि पता नहीं यार इसने अंडा कहाँ पे डाला होगा अभी। भाई 1 और X वाला अटैक फिर भाई गया ये फिर गया भाई आजा फाइनली। मरने वाला है मरने में जमा। X वाला अटैक डाल दे भाई डाल X वाला अटैक हाँ भाई डाल ना। इतना तो कूल डाउन नहीं होता ना भाई। आप X वाला अटैक क्यों नहीं डाल रहा। हाँ फाइनली भाई ये मछली की बैंड बजा दी यार मैंने। अरे यार उठा ले रे दे वाह उठा ले मेरे को नहीं ये मछली को उठा ले भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार उस मछली को मारने के लिए। रुको गाइस मैं रिपर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। रिपर मेरे हिसाब से जो ना कि जल्दी मार देगी गाइस उसको। 2 सोल मिल चुकी है
अभी भी जो ना कि मुझे यहाँ पे तीन और सोल चाहिए। रिपर कहाँ पे अपनी भाई? रिपर रिपर फॉलन डिमोनिक रिपर, यही तो है भाई असली किंग। भाई यही तो है असली किंग जो सबकी बैंड बजाएगी। अभी देखो भाई, अभी देखो कैसे भाई पिकॉन द क्रिएटर की बैंड बजाती है कैसे अपने रिपर। हाँ ठीक है, आ गए अपने रिपर। भाई अपनी रिपर है सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। इसके सामने कोई टिक नहीं पाता। पावर अप डालेक्स वाला डैक, डालेक्स वाला डैक। इस अटैक में कोई भी नहीं टिक पाएगा। चला आ जा भाई मछली, या मछली नीचे आ जा, नीचे आ जा। आ रही कि नहीं मछली? तो नीचे नहीं आ रही है, तो मारूंगा कैसे अगर ये नीचे नहीं आएंगी तो? भाई नीचे ही नहीं आएंगे तो मैं मारूंगा कैसे इसको? अबे तो विलुप्त आ रही है मछली। भाई यार क्या कर रही है यार मछली तू, क्या कर रही है मछली तू? भाई दिमाग का भरोसा कर रखा भाई मछली के बच्ची ने यार। रुको गाइस रुको, अरे बेस किया किया तेरे, ले मर जा भाई, मर जा भाई। इसके पिछवाड़े पे अटैक डाल रहा हूँ मैं, मैं इसके पिछवाड़े पे अटैक डाल रहा हूँ और इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ग्रिफिन इकलौता सहारा है गाइस इस मछलियों को मारने का, और कोई नहीं मार सकता गाइस इन लोग को। इस स्पिरिट ग्रिफिन से तो कुछ दिखाई भी नहीं देता लेकिन काफी जल्दी मार देता है ये, देख रहे हो भाई। क्योस ग्रिफिन से काफी ज्यादा जल्दी आ रही मछली की बैंड बजने वाली है। देखो 1.8 अभी हो गया गाइस, और एक टाइम पे कितना दे रहा है ये? 1.8 1.7 इस 1.7 तक जा चुका है भाई। 50,000 का कंटिन्यूस दिए जा रहा हूँ मैं। 1.6 में भी आई डोंट नो, हाँ 100 ओके। क्योस ग्रिफिन से डबल डैमेज गाइस यहाँ पे जा रहा है हमारे पैरे पैरे से स्पिरिट वाले ग्रिफिन का। दैट्स कूल, मर जा भाई। भाई सोल जो ना सड़ने से पहले गाइस मुझे ये भाई सब कुछ भाई खत्म करना पड़ेगा, और मेरे पास जो ना गाइस इन दो ग्रिफिन के अलावा और कोई पावरफुल डायनो नहीं है। हाई गे भाई क्योस वाला डोडो वाइब्रन, बट उसका डैमेज जो ना गाइस वो बहुत ज्यादा घटिया है। इसके मुंह पे चला गया हमें लग रहा, पता नहीं मेरे को तो इसके सीधा थोबड़े के अंदर गया हूँ, सीधा इसके थोबड़े के अंदर गया हूँ भाई। भाई रोशनी के कारण दिखाई भी नहीं दे रही, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? हाँ भाई इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है ना, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहाँ पे जा, अरे जा कहाँ रहा हूँ मैं यहाँ ये रही। रुको आप इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना बम, देखना देखो डैमेज देखो भाई, डैमेज देखो 100 मिलियन से भी ज्यादा एल्डर डाउन हो रही है भाई एक बारी में, 100 मिलियन से भी ज्यादा। अबे लगा नहीं क्या भाई अटैक? तो उसके सीधा थोबड़े के अंदर डाला था मैंने, लगा नहीं लेकिन। रुको हाँ ये वाला अटैक लगा सीधा भाई, 500 पे आएगा भाई सीधा 500 भाई, लेट्स गो भाई। मरने वाली है, मरने वाली है। रुको ये मेरे पास कोई और फ्लायर है क्या जो इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो? अगर केओस वाला ही सबसे पावरफुल तो था, उससे ज्यादा पावरफुल मुझे याद तो नहीं आ रहा वैसे। ठीक है मछली भाई, ये आसमान के एकदम ऊंचाई पे जा चुकी है यार। 5 मछलियों को मारने में गाइस आज दिन जाने वाला है मेरा। ठीक है चलो नो प्रॉब्लम गाइस, अरे जाना ओके मरने में जमा गाइस। एक और एक्स वाला अटैक भाई, जरूरत नहीं लग रहा है। हाँ है जरूरत है, जरूरत है, जरूरत तो नहीं थी वैसे, ऐसे ही निपटा देते लेकिन डाल दे खत्म भाई। वो भी ठीक से लगा नहीं यार, इसके अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया। रुको रुको ये देखो, अभी देखो मर। फाइनली गाइस ये मछली की बैंड बजा डाली मैंने, फाइनली ये मछली की बैंड बजा डाली यार, फाइनली गाइस। रुको हाँ भाई टेक सूट भाई फेंकने दो, ये भाई ग्लिच है भाई। सोल 3 मिल चुके, दो और मछलियों को मारना है। बाबा रे बाबा क्या करूँ मैं भाई। गाइस रिपर तो इन लोग को भाई बेबी निकल गया मछली के अंडे से, यहाँ पे अंडा गिरा था क्या? दे दो भाई बेबी, चलो आ जाओ आ जाओ। एक और भाई स्टैमिना रिकवर कर ले पहले भाई, एक और मछली से बॉस फाइट करने के लिए जाना है गाइस मेरे को भाई, एक और मछली की बैंड बजाने जाना है यार। बट क्या करूँ मैं भाई, स्टैमिना रिकवर करना पड़ेगा सबसे पहले।
भाई स्पिरिट ग्रिफिन ही ऐसा डायनो है जो जल्दी जल्दी गाइस उन मछलियों को मार सकता है, और कोई डायनो नहीं है। रिपर तो है बट रिपर के लिए ना, ये देखो आप भी देखो भाई इसकी चिमड़ी कैसे जमीन भाई यार। रिपर 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 हाँ है, रिपर 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी, इससे पहले कि ऊपर जाए आसमान में। तेरा वेस की तेरी वेस की आग, अभी अभी बच के दिखा तू, अभी बच के दिखा, अभी बच के दिखा भाई। तू देखो क्या डाउन हो रही है, मरी भाई ये मरी, अभी बच के दिखा, अभी तू ग्राउंड जमीन पे, जमीन पे और जमीन पे एक ही डायनो का राज चलता है वही रिपर, समझ गई बेटा समझ गई, यहाँ पे रिपर का राज चलता बेटा, रिपर का राज चलता। चल 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 आवांदे आवांदे निकाल न्यू बॉस। चलो गाइस और अटैक डालने की जरूरत नहीं है, बैंड बच गई गाइस इसकी, बैंड बच गई, बैंड बच गई, छोड़ दो छोड़ दो, बच गई बैंड, बैंड बैंड बच गई भाई। तो सामने की तरफ कौन है भाई, स्केलेटन आई स्टार्टर सोरोसोरिक्स, ए भाग रही मछली है, ए भाग रही मछली है, तेरी भेज गया भागती है भगोड़ी, कहेगी भागेगी भागेगी मौत से भागेगी, अपने अपने मौत से भागेगी। मार दिया गाइस, मार दिया भाई, अभी एक और गाइस बॉस बची हुई है, बस बस वन मोर बॉस गाइस। हाँ फाइनली यार भाई इतने जल्दी भाई, मेरे पहली बार मार आया यार इसको इस वाले एपिसोड में, रुको रुको आ गई, एक और बॉस मारना बाकी अभी गाइस। पहले तो भाई इसने अंडा भी दिया होगा ना, अंडे का भाई रुको थोड़ा सा जो ना गाइस क्या फंडा है वो देखने दो मेरे को, कहाँ पे भाई अंडा, भाई तेरी भी रिसिलेंस वाला क्या, उसने अंडा मेरे हिसाब से यही भाई कहीं पे दिया होगा, क्योंकि उसकी हेल्थ तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे डाउनलोड, अरे नहीं यार ये भी दिया तो होना चाहिए था, बट अंडे वे मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे ना दिख रहे मेरे को भाई। चार सोल मिल गए ना, चार मिल चुके हैं गाइस सोल, और मैं उसी में घुसूंगा इसकी, मुझे चार सोल मिल चुके हैं भाई, एक अंडा ये खा ही जाता हूँ मैं, चलो रहने दो भाई ये अंडा खा ही जाता हूँ मैं। चलो आज एक काम कर लेता हूँ, आखिरी बॉस को बुलाता हूँ, और भाई उम्मीद करूँ कि ये भी जमीन पे आ जाए यार, ठीक है ये लो भाई जमीन पे आ जाए, जमीन पे यार ये तो आसमान में उड़ गई भाई, ये तो भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है गाइज। ओ आ रही क्या घूम के, आ रही क्या नीचे, घूम के नीचे आ रही, तो मैं यहाँ पे इंतजार करता भाई तेरे, अरे एंडर से बाहर चली गई, इसका घूम के भाई नीचे आना जो ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा मेरे को तो, ठीक है चलो आ जाओ भाई। भाई सिलेस्ट्रियल और डिमोनिक हाइड लेने दो गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ना गाइज इंपॉर्टेंट काम करना है हम लोग को गाइज अभी यहाँ पे, रुको चल के गाइज वो मछली की बैंड बजा के आता हूँ भाई। ये पांच जो है ना गाइज, पांच मछलियों को मारने में यहाँ पे जो ना गाइज अपनी बैंड बज गई, और उससे हम लोग को ये भी पता चला कि हमारे पास कोई भी पावरफुल फ्लायर नहीं है जो बॉसेस की बैंड एकदम आसानी से बजा सके। हमारे पास जितने भी भाई फ्लायर है ना, फ्लायर वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये तो मेरे को पता चल गया गाइज अभी यहाँ पे भाई। इनको मारने में एक बॉस को भाई इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्या बताओ, वैसे भी भाई प्राइमल फेयर हार्डकोर है तो इतना टाइम तो लगेगा, बट फिर भी यार 10% डाउन हेल डाल, बम डाल सीधा थोपड़े के अंदर भाई, सीधा थोपड़े के अंदर, लेट्स गो 20% हेल डाउन गाइस, 20% हेल डाउन, 1.5 ऑलराइट गाइस लेट्स गो। अरे मुंह पे मत जाओ, अटैक कर देगा भाई उसके फेस पे, मत जा उसके फेस पे जाता हूँ ना तो अटैक कर देता है डायरेक्टली, ठीक है आराम से अंदर डाल दे इसके, ठीक है नीचे गिरा दिया भाई इसने मेरे को, 1.3 ओके गाइस 1.3 से इसके थोपड़े में चला गया, संभल के संभल के भाई, इसने अटैक करना चालू कर दिया तो ये बॉस फाइट और डिफिकल्ट हो जाएगी भाई। हे कहाँ पे बॉस, एक तो भाई इतनी सफेदी हो जाती है ना, दिखाई नहीं देता कि बॉस कहाँ पे करके भाई। हाफ हेल्थ इसकी डाउन होने वाली है, दो अटैक के बाद इसकी हेल्थ हाफ हो जाएगी, ठीक है अभी इसकी हेल्थ जो ना गाइस वो यहाँ पे हाफ हो चुकी है गाइस, आप बोल सकते हो भाई। एक और अटैक, एक और अटैक, फिर हाफ हेल्थ भाई सीधा,
मैं इसके थोबड़े के पास चला गया गलती से। राइडर के ऊपर हमला हो रहा है। ठीक है, आई डोंट नो, संभल के भैया जी। भाई दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, बट इसको मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। अपने बम इसके पास तोबड़े के अंदर डाल के मारने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। भाई दिख कुछ भी नहीं रहा मेरे सबसे हेरी बॉस। भाई क्या लकड़ी चल रही है गाइस, एक तो उसका अटैक उसके मिनियन भी मार रहे हैं। मेरी बाण बज रही है भाई, मेरी बाण बज रही गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अटैक भाई एकदम परफेक्ट लगा उसके भाई, सीधा तोबड़े के अंदर। हाँ वार्मोल अटैक, वार्मोल अटैक कर दिया है, संभल के। हीलिंग पोशन 7 सेकंड तक है, 7 सेकंड में मेरी पेटी बनने वाली है, 7 सेकंड में पेटी बनने वाली है, तो भाई संभल के थोड़ा। वार्मोल अटैक है बाय 100, नाइस, ओके, ओपी, फाइनली। चलो गाइस, इस वाले बॉस की भी तो बैंड बजा दी मैंने। अरे यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया गाइस, भाई बॉसेस को मारने में जो ना गाइस बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया भाई। मेरे हिसाब से भाई 20-25 मिनट तो इन बॉसेस को, 5 बॉसेस को मारने में लग गए मेरे तो। हाँ बट गाइस मुझे 5 जो सोल चाहिए थी हमारे फ्यूरॉक्स को इवोल्व करने के लिए, वो मिल चुकी है। हाँ भाई वैसे आज मैं फ्यूरॉक्स आर्मी को जो ना गाइस इवोल्व करना चाहता था, बट मुझे लग रहा है गाइस कि हमारा पूरा का पूरा टाइम जो है ना गाइस वो यहाँ पे, अरे 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 अरे, मुझे लग रहा है लैग गाइस वापस से आ चुका है, ये फिक्स हो जाएगा भाई 1-2 दिन में। मॉड का लैग है गाइस, मॉड के रीजन से लैग हो रहा है। ठीक है, सो गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज ना हम लोग हमारी फ्यूरॉक्स आर्मी को इवोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए गाइस सोल को थोड़ा सा सुरक्षित रख देता हूँ फ्रिज में, ताकि गाइस सड़ ना जाए। और अपने जो गाइस यहाँ पे भाई प्यारी प्यारी सी आर्मी है ना फ्यूरॉक्स की, उसको गाइस यहाँ पे इवोल्व करने का काम हम लोग अगले वाले एपिसोड में कर लेंगे। आज वैसे करने वाले थे लेकिन टाइम इतना ज्यादा जल्दी निकल गया ना कि गाइस मैं क्या ही बताऊँ। आज तो भाई टाइम ही नहीं मिला गाइस, टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे जो ना गाइस हमारे भाई फ्यूरॉक्स को इवोल्व करने का। अभी देखो मुझे इनकी लेवल अप करनी, उसके बाद इनके अंदर सोल डाल के इवोल्व करनी, उसके बाद पावर दिखानी, तो वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी। इसलिए गाइस ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ पे हमारी फ्यूरॉक्स आर्मी को इवोल्व करने का काम करेंगे। सो गाइस आपका आज का एपिसोड और जो बॉसेस को मारने में भाई हमारी बैंड बजी है ना, वो अगर गाइस आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी तो आज का ये वाला एपिसोड ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के, आर्क प्रामुल वीर हार्डकोर के, तब तक के लिए बाय बाय। और प्रामुल वीर हार्डकोर इसको क्यों बोल रहे हैं वो तो अभी गाइस इस बॉस फाइट में आपको दिखाई दिया ही होगा गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जो ना गाइस हमारी बैंड बज गई, लेकिन कोई ना हम लोग ने 5 बॉसेस की ना बैंड बजा दी। और अगले एपिसोड में अभी हमारी बॉस किलर फ्यूरॉक्स आर्मी भी रेडी होने वाली है, सो आने वाले एपिसोड मिस नहीं करना। बाकी ये वाला एपिसोड तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के, आर्क प्रामुल वीर हार्डकोर के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग।